ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ Yes, we are not. We don't have nothing to eat. Only just drinking water. No food. No food. Nothing. No food, sir. Only drinking water. Drinking water. है गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऑकलैंड में जो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स के साथ एक स्कैम हुआ है उसके बारे में। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दो दिन पहले इसके बारे में स्टोरीज अपलोड करी थी, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, अगर नहीं करते तो फॉलो कर देना। और इस वीडियो में मैं इसके बारे में सोल्यूशन भी देने वाला हूँ कि पॉसिबली इसके क्या सोल्यूशन होने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे न्यूजीलैंड की वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले उन लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं कि अभी एग्रीगेटेड एम्प्लॉय के साथ क्या हुआ यहाँ पे। तो इंडिया, दुबई ऐसे कई सारी कंट्रीज से यहाँ पे एम्प्लॉयज आए थे, एग्रीगेटेड एम्प्लॉयज। उनके एजेंट ने बोला था कि आप न्यूजीलैंड आओगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ये वो बोल के एजेंट ने उन लोगों को यहाँ का वीजा लगवा दिया था। कुछ 25,000 से 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि होते हैं 10 से 15 लाख इंडियन रुपीस जितना होता है, उतना चार्ज करके उन सभी को न्यूजीलैंड पहुंचा दिया वर्क वीजा पे। तो अभी उनके पास वर्क वीजा तो है, बट उनके साथ हुआ क्या कि जब वो लोग यहाँ पर आए तो उनको ना वर्क मिला, ना भी उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको खाना मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगा न्यूज़ की, जिसमें उन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिया है न्यूज़ वालों को। क्योंकि एक बंदे ने बोला था कि वो 3 महीने से इस घर में रह रहा है, बट ना उसको अपने एम्प्लॉयर से फ़ोन आया कि कब से काम शुरू करना है, ना उससे कोई सैलरी आ रही है, क्योंकि काम शुरू नहीं किया तो सैलरी तो आनी नहीं, बट किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला उस बंदे को अपने एम्प्लॉयर से। तो वो यहाँ पे आके एक लिम्बो में फंस चुका है। और ये जो सारे एम्प्लॉयज है वो एक ही घर में रहते हैं, तकरीबन कुछ 40 एम्प्लॉयज है, 40 लोग है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही बाथरूम और एक ही किचन, वो सब कुछ शेयर करते हैं वो लोग। तो आप सोच सकते हो कि इन लोगों की हालत क्या होगी यहाँ पर। और इसमें से एक बंदे ने बताया था कि वो क्रिश्चियन है, बट उसको मंदिर जाना पड़ता है खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसको खाना भी नहीं मिल रहा। तो आप सोच सकते हो कि उनकी क्या हालत हुई होगी यहाँ पर। जब उन लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिली तो उन लोगों ने सोचा कि चलो अब पुलिस में जाके ही कंप्लेन करते हैं। तो जब उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी तब ये चीज मीडिया में आ गई कि यहाँ पे कुछ लोग जो वर्क वीजा पे आए, एग्रीगेटेड वर्क वीजा पे, उनकी क्या हालत हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके साथ होता है, मेरे 2-3 दोस्त आए इंडिया से एग्रीगेटेड वर्क वीजा पे और उनका सब कुछ सही चल रहा है। पर अभी ये लोग जो यहाँ पे न्यूजीलैंड में आके फंस चुके हैं, उनकी मैं थोड़ी सी क्लिप्स दिखाता हूँ आपको, तो आपको भी पता चल जाएगा कि उनकी क्या अभी सिचुएशन है। और उसके बाद में पॉसिबल जो सोल्यूशन होता है उसके बारे में भी बात करूंगा यहाँ पर। वन टॉयलेट एंड वन शावर, द गैराज इज बीइंग यूज्ड टू हैंग क्लोथ्स। This room would only be about 3 by 2 meters, but there are 5 in here alone. It's a real squeeze to get through the door because of how much the beds are piled up. And on my left, another room. 6 people in this room alone. It would only be, let's say, 4 meters by 5 meters. And as we come through here, the bathroom. There's only one in the entire house. We're told there's a line to use it every morning. But it's also what you can't see. There's a smell of sewage from underneath the home. One of the occupants tells us the plumbing is broken. The men sought a better life through the accredited employer work visa scheme. Instead, this is their reality. They've turned to Union Network of Migrants president Mandeep. Resort. They paid tens of thousands of dollars each for job offers and signed agreements with New Zealand recruitment contractors, but haven't worked an hour or seen a cent. Well, you guys took $20,000 from us to get a job. Why you promise us you could give a better life here? There's no better life here. Instead of a better life, they've turned to begging. Like a beggars, we are going to the temple and eating the food there. I'm a Christian. I can't able to go to the temple, Hindu temple. But I'm going because I need a food. They arrived via the accredited employer work visa scheme. But instead of jobs, they're on the breadline. And it's not just them. 3 months we have been suffering here. We didn't send even $1 also to my family and my children. How can they eat? Union Network of Migrants president Mandeep Bala walked us through the property last night. Several men are crammed into a porticom out the front. Suitcases are piled up in a lounge that doubles as a laundry. Tiny back rooms are full of mattresses while others sleep in the garage. In terms of work visas... तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कितनी गंदी सिचुएशन में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एक ही घर में 40 लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक कि दुबई में भी इतनी गंदी सिचुएशन में रखते होंगे एम्प्लॉयज को कोई, और दुबई या किसी भी डेवलप कंट्री में आई डोंट थिंक कि किसी भी एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट करा जा रहा होगा। तो अभी पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं ये लोग, तो पुलिस तो अभी
जो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स है उन लोगों के उनके ऊपर छापे मारेंगे या कुछ करेंगे उनका, बट जो एजेंट है उस पर मुझे नहीं लगता कि एजेंट पे कुछ होगा, क्योंकि एजेंट तो इंडिया में बैठे हैं उनके, वो तो थाईलैंड या दुबई कहीं जाके छुप जाएंगे। बट अभी इनको, इनके साथ क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में अभी इलेक्शन आने वाले हैं एक दो महीने में। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इन लोगों पर इतना फोकस करेगी अपने इलेक्शन को साइड पर रखकर। तो अब सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया उन लोगों के साथ जो न्यूजीलैंड में एक्रेडिटेड वर्क वीजा पे आ रहे या टूरिस्ट वीजा पे आ रहे और फिर वर्क वीजा कन्वर्ट कराने की सोच रहे, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी। दूसरा एक सोल्यूशन एजेंट से हो सकता है कि आप किसी भी एजेंट से अगर फाइल करा रहे हो तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो एजेंट की हिस्ट्री क्या है, वो कितना पुराना एजेंट है, कितने सालों से वो न्यूजीलैंड की फाइल्स कर रहा है। पर मान लो अगर आप दूसरे किसी एजेंट से करा रहे हो बस एक रीजन से कि वो आपसे 2-3 लाख कम चार्ज कर रहा है, तो वो 2-3 लाख जो रुपए आप कम दे रहे हो वहाँ पे वो आगे जाके आपको बहुत भारे पड़ेंगे। और अगर आपको जानना है कि आपका एजेंट लेजिट है या नहीं, तो आप एक चीज कर सकते हो जो मेरे ध्यान में आई है कि आप अपने एजेंट से उन लोगों का नंबर ले लो जो उनसे ऑलरेडी न्यूजीलैंड पे वर्क वीजा पे आ चुके हैं, और उनसे व्हाट्सएप पे बात कर लो कि क्या सिचुएशन है, कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको भी ये स्टेप लेना है कि नहीं लेना है। और ऐसा करके आप अपना पैसा और टाइम भी बचा सकते हो। तो एक बार अपने एजेंट से बोल लेना कि आपने जितने भी लोगों को न्यूजीलैंड भेजा है उनमें से किसी का नंबर दो, 2-3 लोगों का, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और अभी न्यूजीलैंड का जो एग्रीगेटेड वर्क वीजा है उसमें ये है कि आपको IELTS देने की जरूरत नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो भी यहाँ पे वो वर्क वीजा लगा के आ जाते हैं। बट अगर आपको न्यूजीलैंड में इंग्लिश नहीं आती तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कितना गंदा फायदा उठाया जाएगा यहाँ पे। अगर आपको मान लो कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपसे साइन करा देंगे ये लोग कि आप फिर बहुत बुरे फंस जाओगे यहाँ पर। तो मेक श्योर करना कि आप इंग्लिश सीख लो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो एक बार इंग्लिश सीखने के बाद यहाँ पर आओ। अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो पूरे के पूरे आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी के ऊपर, और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना ऐसी कंट्रीज में। और अभी एक और आखिरी बात इस वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड में एक्रेडिटेड वर्क वीजा पे आ रहे हो, मेक श्योर करना कि आप स्किल पर्सन हो, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड में अगर आप आते भी हो, मान लो कि आप किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर आ गए, यहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस कंपनी में, तो मान लो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है और आपके पास स्किल्स भी है, तो आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जॉब और वहाँ से अपना वर्क वीज़ा फिर से करा सकते हो। तो ऐसा करके आप एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हो यहाँ पे जो होती है। वरना क्या होगा कि मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आ गए हो और आपके पास इतना कोई स्किल भी नहीं है, तो ये लोग आप इन लोगों को पता है यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है कि उनको पता है कि वापस तो जाने वाला नहीं है, तो ये लोग आपको एक्सप्लॉयट करेंगे और आपके पास कोई और रास्ता नहीं होगा यहाँ से निकलने के लिए। तो ये थे कुछ सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। तो ये जो भी कुछ मैंने बोला वो मेरा ओपिनियन था। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय।